जैसे आपको पता है गुजरात में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न हुए। पिछले सप्ताह 6 नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए और भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली। 6 के 6 नगर निगम बहुत अत्यधिक बहुमत से और पिछली बार से संख्या बढ़ाकर हमने जीते हैं। लेकिन कल जो नतीजे आए हैं वो बहुत उत्साहदायी है। 31 जिला पंचायत के चुनाव हुए। ये ग्रामीण मतदाता होता है, किसान मतदाता होता है। और 2015 में पहले चुनाव हुए थे तब कांग्रेस 22 जिला पंचायत जीती थी और बीजेपी केवल 9 पे थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने 31 के 31 जिला पंचायत जीते हैं और वहां सत्ता में आई है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, 0। तो ये एक बड़ा परिणाम हुआ। उसमें सीट की संख्या, पहले बीजेपी के वहां यानी टोटल सीट्स है 976, तो बीजेपी के 2015 में सीट थे 368, अब बीजेपी के हो गए 800, डबल से भी ज्यादा बढ़े। 80% सीटें जीती है आउट ऑफ 979। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। मैं आंकड़े इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसकी भव्यता जो है, विजय का जो मार्जिन्स है वो समझते हैं तब जनता कहां खड़ी है, जनता क्या सोचती है और कांग्रेस क्या बोलती है, इसका ये उत्तर है। कांग्रेस को लगभग 1000 सीटों में केवल 169 सीटें मिली, कुछ नहीं मिली जिला पंचायत की। अब आइए तालुका पंचायत पर। यहां तालुका पंचायत 231 है, बीजेपी ने 196 जीते हैं, केवल 35 तालुका पंचायत में बीजेपी सत्ता में नहीं आई, बाकी सभी जगह बीजेपी सत्ता में आई, 231 में 196, और कांग्रेस केवल 18 जगह आई। इसका अगर विधानसभा में परिवर्तित करते हैं कि कल के रिजल्ट, क्योंकि सभी जिलों में हुए, तो गुजरात में आपको मालूम है विधानसभा की 182 सीट है, ये 155 सीटों में लीड है। सो अगर ये नतीजों का विश्लेषण विधानसभा के चुनाव क्षेत्र के अनुसार करेंगे तो ये 155 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती है। आपको मालूम है गुजरात में हमने 2017 का चुनाव जीता और हम 38 साल से सत्ता में है एक न एक प्रकार से। पहले कोएलिशन में थे, बाद में हमारी सत्ता बनी अनइंटरप्टेड। इतना समय जनता का विश्वास मिलना और वो बढ़ते जाना, ये एक राजनीति में बहुत अद्भुत करिश्मा है। बीच में जो लोकसभा के 2019 के चुनाव हुए, 26 के 26 सीट जीते, 8 उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भी, और वो कांग्रेस के थे सीट्स जहां बीजेपी नहीं जीतती थी, और वो 8 के 8 सीटों बीजेपी ने जीत ली और ये चौथी विजय है स्थानीय निकायों का, बहुत जबरदस्त है। नगर पालिकाओं में भी 81 नगर पालिकाओं में, क्योंकि ये सेमी अर्बन एरियाज है, तो 81 नगर पालिकाओं में 72 जगह बीजेपी जीती है नगर पालिकाओं को और कांग्रेस को केवल 1 मिली है। और उसमें भी कांग्रेस की दुर्दशा समझने लायक है, 18 नगर पालिका में
उनको जीरो सीट मिली है। 52 नगर पालिकाओं में वो 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, केवल 12 नगर पालिकाओं में वो दो डिजिट में है। तो ये जो निर्णय है, और उसके भी कुछ और पहलू है, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाकर इस बार अपने दिग्गज नेता, कुछ विधायक तो खुद खड़े रहे नगर पालिका के चुनाव में, और कुछ उनके परिवार के सदस्य खड़े रहे, लेकिन ऐसे सारे उम्मीदवार हार गए। गुजरात के आणंद जिले में पेटलाद सीट पर कांग्रेस के विधायक है निरंजन पटेल, वो नगर पालिका के चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उनको यकीन था कि एक जगह ही आऊंगा, दूसरी जगह नहीं आऊंगा, लेकिन दोनों जगह हार गए। नगर पालिका सीट, अ सिटिंग कांग्रेस एमएलए लूजेस इन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन म्यूनिसिपल इलेक्शंस। दूसरे एक विधायक अश्विन कोटवाल, उनके पुत्र लड़ रहे थे, वो भी हार गए। तीसरे एक विधायक है विक्रम माडम और पूजा वंश चौथे विधायक, और एक पांचवे भी है पूनम भाई परमार, इनके भी फैमिली मेंबर्स चुनाव पूरी तरह से हार गए हैं। अर्जुन मोदवाड़िया जो पूर्व अध्यक्ष है, अभी राज्यसभा में है, उनके भाई ने चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। जो वहां भारतीय ट्राइबल पार्टी है, नई पार्टी है, उसके अध्यक्ष है छोटू वसावा, उनके पुत्र दिलीप वसावा भी हार गए। और पूरे ट्राइबल बेल्ट में ये चुनाव हुआ, और ट्राइबल बेल्ट में सभी जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिका क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली। और इसलिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लोगों का नरेंद्र मोदी जी पर प्यार और विश्वास कायम है। इन चुनाव नतीजों का अर्थ है कि विकास और काम के लिए मतदाता वोट करते हैं। इस विजय का अर्थ है कि ये किसानों का वोट है, किसान खेती के सुधारों के साथ है। यह ऐसी विजय नहीं मिली है, कांग्रेस ने पूरे ग्रामीण इलाकों में केवल एक मुद्दा चलाया, खेती के नए कानून। यह तो मूलभूत सुधार, अच्छे सुधार है, किसानों के फायदे में है। गुजरात का वर्डिक्ट आ गया कि यह किसानों के फायदे में है। और कांग्रेस ने तो नगर निगमों में और नगर पालिका में गैस, कुकिंग गैस लेकर एलपीजी गैस का ही स्टेज बनाते थे, और एलपीजी गैस पर ही माइक रखते थे। सब नाटक की है, लेकिन कुछ दाल नहीं गली, कुछ भी नहीं साध्य हुआ। निगेटिव कैंपेन जनता को पसंद नहीं है। और जिस तरह से कल या पिछले सप्ताह जिस तरह से आसाम में राहुल गांधी ने गुजरात की बदनामी की, गुजरात के व्यापारी, ऐसा कहकर जो आसाम में भाषण किया, ये निगेटिव कैंपेन जनता को पसंद नहीं है। और यह हमारी जो पार्टी सी आर पाटिल अभी अध्यक्ष है, सी आर पाटिल के नेतृत्व में जो टीम है, उन्होंने जो पन्ना प्रमुख, यानी स्थानीय चुनाव में भी इतना पार्टी एक्टिव थी कि गृहमंत्री अमित शाह भी अपने बूथ में, अपने बूथ में पन्ना प्रमुख, एक पन्ना उनके पास है,
यानी 25 मतदाताओं को बुलाकर उनको वोटिंग के लिए आग्रह करना, ये काम हमारे गृहमंत्री भी करते हैं। तो ये बीजेपी है, जिस तरह से पन्ना प्रमुख संगठन का पूरा टीम और विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल, सारे विधायक, जिस तरह से झोंक दिया उन्होंने, उसका नतीजा है कि लोग काम, विकास, कृषि कानून सुधार, इसके पक्ष में लोगों ने वोट दिया है। और यह समझने लायक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और यह अकेला वहां मिला नहीं है। जैसे आपको पता है, पिछले साल बिहार का चुनाव में हमने जीता, बाद में उपचुनाव हुए 11 राज्यों में, उत्तर मध्य प्रदेश में 19 जीते 28 में से, गुजरात में 8 के 8 जीते, उत्तर प्रदेश में 7 में से 6 जीते, मणिपुर में 5 में से 4 जीते, कर्नाटक में 2 सीटें जीती, और तेलंगाना की 1 सीट थी, वो भी बीजेपी को मिली, जो पूरे टीआरएस के परिवार में ही है, केसीआर के परिवार में ही वो सीटें होती थी। उसके सिवा लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल में हमें जय मिला, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम 5 थे, वहां से 48 बन गए। राजस्थान पंचायत समिति, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, सभी जगह जबरदस्त विजय मिला। असम के बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में विजय मिला। गोवा की जिला परिषद में 48 में 33 सीटों पर विजय मिला। केरल के स्थानीय चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 15 हो गया और अच्छा प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटें जीतकर बीजेपी हुई। अरुणाचल में एक तरफा विजय मिला है और ये गुजरात में भी एक तरफा है। लोग देश की भलाई चाहते और लोग मोदी जी का विकास का मॉडल और खासकर दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से वो समाज में सुधार, देश के कानून व्यवस्था में और बाकी में प्रमुख सुधार ला रहे हैं अर्थव्यवस्था में, इसका परिणाम देश के लिए अच्छा होगा, ये जनता को विश्वास है। और इसीलिए ये चुनाव का स्थानीय चुनाव था लेकिन इम्पोर्टेंट था, और इसलिए इससे एक मैसेज मिलता है देश भर के लिए, किसानों के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, और इसलिए ये आज मैंने विषय रखा। इतना ही मुझे कहना है। इस चुनाव के संबंध में कुछ है तो पहले सवाल पूछो, बाकी सवाल आपके मन में होंगे वो बाद में। नहीं, वो इस चुनाव के संबंध में बात है, नहीं वो दूसरा चुनाव है ना, पहले गुजरात का कुछ है सवाल तो पूछे, मैं बता रहा हूं। हाँ, नहीं वो तो ऐसा है, दिल्ली के बारे में एक ही कहूंगा, जिसके सीट जिसको थे वो गए, उसमें क्या हुआ है? नहीं वो ठीक है। हाँ, इस पर मैं आज ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसका जो अगला वाक्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि उसमें हमने इंस्टीट्यूशन को कोई तकलीफ नहीं दी, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद किए, सारा संगठन की आजादी खत्म की, सारे पार्टियों पर एक तरह से बैन आ गया, सारे एमपीज और एमएलएज को भी गिरफ्तार किया, लाखों लोगों को बंदी में डाला, और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर की आजादी खत्म की, इंस्टीट्यूशन को हमने नहीं बिगाड़ा, यह कहना हास्यास्पद है। राहुल गांधी को आरएसएस समझने में बहुत समय लगेगा।
आरएसएस देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है दुनिया की, और इसलिए दुनिया में उसका आदर है और भारत में इसकी भूमिका है लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करना, यही संघ करता है।